दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। अगले हफ्ते होने जा रही तीसरी 2+2 मंत्रिय स्तरीय बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें दोनों देश स्थागत इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट की ओर बढ़ सकते हैं और तीनों सेनाओं के अभ्यास को मानव रहित अंतरिक्ष और पानी के भीतर जैसे विभिन्न आयामों तक पहुँच सकते हैं। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री ने एक बीते कई महीनों से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन पर जमकर निशाना साधा है, कहा कि लद्दाख में जारी तनाव के लिए चीन जिम्मेदार है और बीजिंग भारत पर सैन्य दबाव डाल रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एस्पर ने कहा है कि LAC पर भारतीय नागरिक चीनी आक्रामकता का सामना हर दिन कर रहे हैं। चीन लगातार इस क्षेत्र में बाकी देशों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर रहा है, कई जगहों पर खुलेआम दिख रहा है। चीन कई छोटे देशों पर राजनीतिक, कूटनीतिक व सैन्य दबाव डाल रहे हैं ताकि उसके सामने झुक जाए। वहीं भारत में भी सैन्य दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 60,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती कर रखा है। पोम्पियो ने LAC पर खराब हो रहे हालात के लिए चीन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने अपील की है कि सीमा पर शांति बहाली के प्रयास किए जाए। अधिकतर देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा समझाए जाने के बाद भी चीन को ये बात नहीं समझ में आ रही है। अधिकतर देशों में चीन की वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है। दूसरे देशों में रह रहे चीनी नागरिकों को भी इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीन यदि सभी देशों के साथ युद्ध करने के लिए इसी तरह तैयारी करता रहेगा तो शायद कहीं ना कहीं चीन अकेला ना पड़ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही ये वीडियो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और इनको हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।